चैनल क्लास 6 ग्रामर का पोर्शन है चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। उसमें आज मैंने आप लोगों को ये समझा है ग्रामर के बारे में, ग्रामर क्या है, लैंग्वेज का मीनिंग क्या है और लिटरेचर का मीनिंग, ये तीनों का डिफरेंस मैंने बता दिया आप लोगों को। अभी हम एक और पार्ट सीखने जा रहे हैं अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट तो मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही LKG UKG से ही अल्फाबेट क्या है आप लोगों को समझा दिया, आपको पता भी है व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेट। आप बच्चे बोलेंगे मैम वो 26 लेटर्स वाले अल्फाबेट, मैम ABCD वाले Z तक वो अल्फाबेट बोलते। ओके खुला। अब अल्फाबेट यानी क्या है? अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स विच आर यूज इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। अभी सेट ऑफ लेटर्स यानी A से लेके Z तक, ओके 26 लेटर्स हमारे है अल्फाबेट में, इसको बोलते हैं अल्फाबेट। ओके, इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव द 26 लेटर्स ए टू जेड। ओके, समझ में आ गया। अब लेटर में टॉपिक सिखाने वाले, लेटर यानी क्या है? ओके, लेटर्स, अब लेटर ही बोलते हैं लेटर्स। लेटर्स यानी क्या है? लेटर इज अ प्रिंटेड और द रिटन साइन रिप्रेजेंटिंग अ साउंड इन स्पीच। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। ओके, एक टाइप का प्रिंटेड या रिटन साइन होता है, जैसे कि ABCD, ये तो फॉर्म वे डायरेक्ट वे पे जाते हैं, लेकिन इससे ही हम इस पे प्रिंटिंग में भी आता है। ओके, साउंड इन स्पीच भी, इट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन स्पीच। ओके, इसमें टू टाइप्स के लेटर्स है, अपने इंग्लिश में टू टाइप्स के लेटर्स है, एक तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर। ओके, कैपिटल लेटर यानी बड़े लेटर्स होते हैं जो बड़े बड़े अक्षर पे मींस ABCZ तक जाते हैं। ओके, स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर है, ABCD की छोटी अक्षर ABCZ तक जाते हैं छोटी अक्षर पे। ये इस तरह है, स्मॉल कैपिटल लेटर इज द लेटर ऑफ द फॉर्म एंड साइज यूज टू बी बिगिन विद द नेम और अ सेंटेंसेस। कैपिटल लेटर कब यूज होता है? जब भी कोई भी हम कुछ सेंटेंसेस बनाने जाते उसके बिगिनिंग ऑफ द लेटर पे हम कैपिटल लिखेंगे, और कोई नाम आता है तो हम कैपिटल पे लिखेंगे। ओके, स्मॉल लेटर क्या है? स्मॉल लेटर इज द लेटर ऑफ डिफरेंट फॉर्म एंड साइज टू अ कैपिटल लेटर एंड इट इज यूज एट अ लार्ज स्केल। सबसे ज़्यादा हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, कैपिटल सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं, और नेम ऑफ द पर्सन या प्लेस ऑफ द प्लेसेस में, नेम ऑफ द प्लेसेस में हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर्स। ओके, आप लोगों को ये समझ में आ गया अल्फाबेट्स और ये क्या है। अभी इसमें हमने अल्फाबेट्स में ये सीखा है लेटर्स पे वोवल्स और कॉन्सनेंट्स। और वोवल्स और कॉन्सनेंट्स क्या है आपको ये भी आपको पता है। ओके, अभी AEIOU इसको बोलते हैं वोवल्स, और बाकी के जो 21 लेटर्स है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये तो आप लोगों को पता है, जैसे का कॉन्सोनेंट्स में B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। ओके, इसको बोलते हैं अल्फाबेट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अभी आप लोगों को ये भी पता चल गया। ओके, अभी अगला वीडियो मेरा मीन्स अगला ये टॉपिक हमारा जाएगा वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड। ये तो मैंने अभी अल्फाबेट्स ये सब सिखा दिया, अब वर्ड क्या है? मैंने प्रीवियस वीडियो में फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी बताया कि ये अल्फाबेट्स के बाद जो हम लोग एक एक लेटर्स को जो कॉम्बिनेशंस करते हैं, ओके कंबाइनिंग जो करते हैं लेटर्स को, उसमें से वर्ड बनते हैं। अ वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ क्लियर मीनिंग, टू स्पीक स्पोकन लैंग्वेज द साउंड ऑफ दिस लेटर्स, एंड इन लिटल लैंग्वेज रिटन लैंग्वेज द शेप और ऑफ दिस लेटर्स एक्सप्रेस द मीनिंग। ओके, ये कैसा वर्ड है? अभी जो भी फॉर्म किया है, अभी BUN बन, ओके ये लेटर्स है, कितने लेटर्स है इसमें? 3 लेटर्स है BUN,
उसे हमने क्या बनाया, वर्ड बनाया। एक एक लेटर्स के कॉम्बिनेशंस में हम मीनिंगफुल्ली हम एक एक वर्ड बनाते हैं, उसको लेटर्स बोलते हैं। ओके, अब सेंटेंस क्या है वो तो सबको ईजी है, पता चल जाता है व्हाट यू मीन बाय सेंटेंस। अरे मैम हमको पता है, हमको पता है क्या है, चलो बताओ व्हाट इज अ सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंस यानी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन द पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। एक जो चीज है अभी हम मैंने यहाँ लिख दिया है, इज मेरी इंटेलिजेंट एंड गर्ल, क्या ये प्रॉपर वे पे है? नहीं, ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, हमें इसको प्रॉपर ऑर्डर पे करना है ताकि ये सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाए। ओके, तो इसमें मैंने क्या आप लोगों को सेंटेंस बनाती करेक्टली, मेरी इज एंड इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, ये क्या है, मेरी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर वर्ड बताया, पहले प्रॉपर नहीं था, फिर मैंने प्रॉपर में आपको इसमें मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स द कंप्लीट सेंस। और सेंटेंस में हमें क्या याद रखना है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड बी विद द कैपिटल एंड शुड बी द पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन आप फुल स्टॉप डाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन अराइजिंग जैसा हो तो क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी टाइप होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क डाल सकते हैं, वो आपको सेंटेंसेस में अभी मैं समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे। तो ये सेंटेंस हुआ है, आपको समझ में आ गया। अब सेंटेंस में ही टू टाइप्स के कॉम्पोनेंट्स हैं, एक तो फ्रेज और क्लॉज। अभी ये फ्रेज और क्लॉज आपके लिए नया वर्ड है, ये मैं डिटेल्स में आप लोगों को जब ये चैप्टर आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी, अभी जस्ट मैं शॉर्ट पे आपको बताऊंगी क्लॉज और फ्रेज क्या है। ओके, फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब। फ्रेजेस है जो भी वर्ड हम बनाते हैं ग्रुपली, पर उसमें वर्ब नहीं होता है, एक्शन वर्ब्स नहीं होता है, उसको बोलते हैं फ्रेज। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनफैक्ट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म शॉर्ट एक्सप्रेशन। शॉर्ट एक्सप्रेशन पे है ये चैप्टर में आप लोगों के फ्रेज का, जब चैप्टर आएंगे तो मैं उसमें आप लोगों को समझाऊंगी व्हाट इज अ फ्रेज। ओके, अब क्लॉज क्या है, क्लॉज एन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है, वर्ब फॉर्मिंग भी होता है और पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी होता है। इट इज अ पार्ट और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी नहीं बोल सकते हैं फ्रेज में, सिर्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब होता है, विदाउट कोई एक्शन वर्ड्स होता है। ओके, एक्शन वर्ब्स होता है। ओके, इसको बोलते हैं फ्रेज। क्लॉज यानी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इंक्लूड करता है सब्जेक्ट को ऑफ वर्ब को, ऑफ उसे फॉर्म सेंटेंस बनते हैं और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। अब पैराग्राफ, अरे मैम अब कितना टॉपिक आप ले लेते हो, पैराग्राफ अच्छा अभी आप लोग पहले तो हम बोलते थे ऐसे राइटिंग, हमारे टाइम पे तो हम लोग बोलते थे ऐसे राइटिंग लिखो, कॉम्पोजिशन लिखो, अब के टाइम पे क्या बोलते हैं, अभी जस्ट न्यूली अभी हम लोग उसमें ऐसे राइटिंग या कॉम्पोजिशन है, हम लोग बोलते पैराग्राफ, राइट अ पैराग्राफ। किसी के बारे में हम एक टॉपिक देते हो, टॉपिक के बारे में फ्यू लाइन्स हमें लिखना है। ओके, पैराग्राफ यानी इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑफ अ रिटन और अ प्रिंटेड टेक्स्ट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेंटेंसेस डीलिंग विद अ सिंगल थीम। इफ सपोज मैंने बोल दिया पैराग्राफ लिखो माई सेल्फ, अपने बारे में एक थीम मैंने दे दिया। ओके, और दूसरा टॉपिक होगा, माई सेल्फ तो शॉर्ट में दिया है, अब दूसरा टॉपिक होगा पीकॉक के बारे में। ओके, कोई बर्ड के बारे में, यात्री के बारे में, कोई भी टॉपिक दिया है, थीम दिया है, और टॉपिक के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शंस लिखना है, फिर उसका जो है मेन पार्ट्स वो लिखना, फिर कंक्लूशंस पार्ट्स लिखना है, तो उसको बोलते हैं इन अ थीम एंड स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन। ओके, उसको बोलते हैं पैराग्राफ। और प्रेफिक्स, अब सपोज अभी मैंने इधर पैराग्राफ में सेंटेंस लिख दिया,
इट बिगिंस विद लाइक दिस. ओके, ये यहाँ से मैंने सेंटेंस लिख दिया, अपना कोई भी टॉपिक मैंने ले लिया ट्री के बारे में, लिख दिया फुल स्टॉप, सेंटेंस भरते ही जा रहे. यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, तो वन लाइन लीव करके लीव द स्पेस, ये कि यहाँ पे स्पेस छोड़ दो एक लाइन और फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पैराग्राफ. ओके, प्रीफिक्स सुफिक्स तो आप लोगों को शायद नहीं भी पता होगा, पता है पता नहीं. अभी प्रीफिक्स में है ना, जो भी वर्ड्स दिया है उसके आगे में हमको कुछ भी ऐड करना है. फॉर सपोज अभी मैंने इधर लिखा है पॉसिबल, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, इम्पॉसिबल. ओके, हम ऐड कर दिया है तो यानी इम्पॉसिबल. पॉसिबल यानी हम कर सकते, इम्पॉसिबल यानी नहीं कर सकते. यानी इट विच इज नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड बट इट इज एडेड टू अ वर्ड एंड इट प्लेस द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग. पॉसिबल यानी हम कर सकते हैं, रेगुलर डेली आते हैं, रेगुलर वी आर कमिंग टू द स्कूल. इरेगुलर कर दिया तो हम कभी कभी स्कूल आते हैं. ओके, उसमें कोई भी वर्ड हम ऐड करते हैं आगे तो वो मॉडिफाई होता है. सफिक्स यानी एक वर्ड जो दिया है, अब सपोज मैंने इधर हेल्प लिखा है, हेल्प के साथ क्या है ऐड करूँगी फुल. सो हेल्पफुल जो वर्ड है, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल नहीं है. ओके, पॉसिबल इम्पॉसिबल वो इंडिविजुअल है. ओके, पॉसिबल का भी मीनिंग होता है, इम्पॉसिबल का भी. हेल्पफुल जो वर्ड होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता है, बट इट इज एडेड टू द वर्ड एंड प्लेस एट द एंड ऑफ द वर्ड. हम एंड में डालते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं मीनिंग्स. ओके, इस बिकल सर. सो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को कंपोनेंट्स का सिखाया है. अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए. दोस्तों प्लीज़ पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा. ओके, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.